चार स्कूल उस गांव में खोले, बड़ा गांव था मेरे लिए की तरह से, तो चार स्कूल खोले, दो लड़कियों के दो लड़कों के, और लड़कियों के लिए विशेष तौर से छात्रावास बनाया ताकि बाहर से आने वाली लड़कियों को भी वहाँ पर शिक्षा मिल सके। तो स्त्री शिक्षा के मामले में हरिजनों का बुजुर्ग हमारे लिए क्या क्या कर कर गए हैं। कोई बिरले ही होते हैं जो अपनी छाप क्षेत्र में छोड़कर जाते हैं, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। ऐसे हमारे ईशानंद सरस्वती जी, जिनको मैं भी श्रद्धांजलि देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्य हमारे क्षेत्र के लिए किए, और काफी देर हो गई उनके इस नामकरण में, क्योंकि ये तो सच में सच का मोहन जी ने ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सत्यबंधु जी जब हमसे मिले तो इस कार्य को हमने गति दी, और फरवरी 2016 में ये हाउस में पास हो गया था कि नामकरण आप रख सकते हैं, लेकिन उद्घाटन की डेट डिले होते होते ये समय आ गया कि एक साल और ज्यादा डिले होगा, नहीं तो ये फरवरी 2016 में पास हो गया था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने निगम के नेताओं का, जिन्होंने इस कार्य को करने में मेरी मदद की, और सत्यबंधु जी का भी जो बार बार नरेला में आकर मुझसे मिलते रहे इस कार्य के लिए, कि वो याद दिलवाते रहे कि आप इस कार्य को करवाओ, और ये कार्य आज पूर्ण हो गए। आप देख रहे हैं शिवोला गांव नरेला दिल्ली 40, जहां पर स्वामी ईशानंद जी महाराज के नाम का ये मार्ग नामकरण किया जा रहा है, और जिसको उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर परवेश भाई जी आज इसका शुभारंभ करेंगे। टैलेंट ऑफ इंडिया चेरोता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है सिंगोला गांव, जहां पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम। वहाँ के सिपाहियों ने कहा कि आप इसको गिरफ्तार कर लो, वो कहने लगे ऐसे कैसे कर लो जब कोई इनका दोष ही नहीं है, तो इसके कहने मात्र से थोड़ा हम कर लेंगे। खैर उस रात उन्होंने घर छोड़ दिया, और 14 दिन तक लगातार भूखे प्यासे, दिन में तो एक के खेतों में छिप जाते और रात को चलते 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 14 दिन बाद वो रोपड़ के पास स्वामी आत्मानंद जी से उन्होंने संन्यास लिया, और वहां से फिर वो सीधे दया झावर करता है। उस व्यक्ति को हमारे समाज में महत्व दिया जाता है। ठीक कह रहे थे डॉक्टर साहब सत्यबंधु जी कि बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं, लेकिन छाप वही छोड़ के जाते हैं जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं। और आज जिस प्रकार से समाज के मूल्यों में ह्रास हुआ है, कई प्रकार की कुरीतियां समाज के अंदर आ गई हैं, और ऐसा व्यक्तित्व जो 1900 में पैदा हुआ और लगातार समाज की उन कुरीतियों के विरोध में उस समय में 117 वर्ष पूर्व जो शख्स पैदा हुआ हो, और लगभग 100 वर्ष पूर्व से जो समाज की कुरीतियों के विरोध में खड़ा हुआ हो, निश्चित तौर पर ये मार्ग का नामकरण उनके नाम पर करके उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने और उनके उन नेताओं ने, जिसमें मोहन भारद्वाज जी हैं, केसरानी जी हैं, एक पुनीत कार्य किया है। निगम शुरू से इस प्रकार के कार्यों में, और उसके कारण फिर इनको लाल किले के तहखाने में पहले बंद किया गया 15 दिन तक के लिए। वो बता करते जिस समय तहखाने में हम रोके गए
तो वहां जगह जगह खून के निशान पड़े हुए थे, दीवारों पर भी फर्श पर भी। तो हम ये सोचते थे कि अब यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, लेकिन 15 दिन तक कठोर यातनाएं देने के बाद भी जब उनसे वो कोई बात नहीं उगलवा सके तो उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और जहाँ आजकल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है वहाँ जेल होती थी, उस जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहाँ से फिर उनको जालंधर जेल में ट्रांसफर किया गया और इस तरह से 2 साल की जेल काटने के बाद वो वापिस गाँव में आए। यहाँ आने के बाद एक शर्त लगा दी उनके साथ कि आपको रोजाना नरेला थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। अब इस बात को कैसे गवारा करते, 5-7 दिन तो गए, उसके बाद थाने वालों से जाकर के कह दिया। सब लोगों को समझाकर बार बार कुछ की नंबरदारी भी गई। ऊपर अंग्रेज सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम बोला हुआ है और अगर आप मुझे यहाँ छिपा कर रख सकते हैं तो आप रखिए, अन्यथा मैं यहाँ से भी जगह छोड़ करके चला जाता हूँ। स्वामी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत होकर के रहिए, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं करेगा, पुलिस भी आपको नहीं ढूंढ सकेगी। जब इस तरह की बातें हुई, 2-3 महीने बाद किसी ने मुखबिर ने सूचना दे दी और वहाँ पुलिस वाला आया दयानंद मठ में, स्वामी जी से मिला और मिल करके कहने लगे कि जो है ना फरार आदमी आपके यहाँ जिसकी बेल नॉन वेलेबल वारंट जिसके हैं वो यहाँ छिपे हुए हैं, आप उनका हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। स्वामी स्वतंत्रानंद जी बड़े समझदार सूझबूझ के आदमी थे, उन्होंने कहा जा ठीक है आप कल सुबह आ जाना, मठ में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको मैं लाइन में खड़ा कर दूंगा और आप पहचान लेना अगर कोई है तो। दूसरे दिन सारे मठ के व्यक्ति लाइन में खड़े। अब जो रिपोर्ट करने वाला था उससे ही गलती हो गई कि उसने उनका कद 5 फुट 4 इंच बता दिया और इनका कद था 6 फुट 4 इंच। अब वो परेड समाप्त हुई तो उसमें स्वामी कर्मानंद जी थे 5 फुट 4 इंच के, उन कर्मानंद जी को पुलिस पकड़ लेगी और बेचारे को 1 महीने तक उनकी पिटाई हुई वहाँ। 1 महीने के बाद छूट करके जो वापिस आए तब ईशानंद जी ने कहा आपने मेरी जगह इनको क्यों पिटवा दिया, तो वो कहने लगे कि सन्यासी तो तपस्वी होते हैं, आपकी कोई चिंता नहीं, अगर आपको पुलिस पकड़ ले जाती तो सीधे फांसी पर जाते आप और इनको इन्होंने छोड़ दिया, तो आप अपना काम करो जो खत्म कर रहे हैं। उसके बाद स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने उनको भेजा लोहारू। लोहारू का नवाब उन दिनों बहुत आतंक फैला रखा था उसने और लोहारू स्टेट के 35 गाँवों में से आग लगा करके लोगों को जिंदा जला दिया था। ऐसी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में और खुल्लम खुल्ला एक बात कहा करता कि स्वामी जी जब उसे कहते आप हमारे स्कूल क्यों नहीं खुलने देते, हमारी समाज मंदिर क्यों नहीं बनने देते, तो उस समय एक शब्द उसने कहा, स्वामी जी महाराज अगर मैं इन जातों को पढ़ने दूंगा तो मेरे नवाब भी कौन छोड़ेगा। बोले अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है मैं देखता हूँ। वहाँ आर्य समाज मंदिर बनाया और धीरे धीरे 12 गाँवों में स्कूल खोले एक के बाद एक करके। उसमें 4-4 दिन तक उन्हें भूखे प्यासे भी रहना पड़ा करके एक स्कूल का निर्माण बीच में पड़ा था। आपसी झगड़े में या पैसा खा लेते थे या कुछ भी समझिए, वो स्कूल बन नहीं रहा था। स्वामी जी गए, सारा गांव इकट्ठा हुआ, इकट्ठे होकर के कहा कि इस तरह से बात है, आप ये स्कूल संभालिए, इसको बनवाइए। स्वामी जी कहने लगे सुनो भाई ये आपकी होती है और मैं निवेदन करूँगा मोहन प्रसाद भारद्वाज जी का के इनका भी स्वागत करेंगे हमारे मंडल के अध्यक्ष अवध किशोर त्रिपाठी जी, वो स्वागत करेंगे आदरणीय मोहन प्रसाद भारद्वाज जी का। आप सब तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच समुंदर जी हैं टीगरी से, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे डीसी साहब उत्तम चंद भारद्वाज जी जैसे नाम है वैसे ही उत्तम काम भी करते हैं, छुट्टी वाले दिन भी पूरी टीम को लेकर के यहाँ बैठे हैं। एक बारी भाई ना अधिकारियों के लिए जरूर ताली बजा दो, उनका स्वागत करेंगे समुंदर जी डीसी साहब का और बुक्का देकर भी। भाई एमसीडी वालों के लिए एक बात मैं अभी कह रहा था इन अधिकारियों को कि रणवीर प्रधान जी का भाई ताली बजा दो, अपनी शान के लिए तो बजा दो ताली। हाँ मारा दो भाई।
सामने देखो जी, एक सेकंड। बुक कर ले लो। मैं सहदेव जी से, सत्यबंधु जी से अनुरोध करूंगा कि नीलरमन जी हमारे पूर्व विधायक, इनको आके ले लो शास्त्री जी। शास्त्री जी हाँ, यस शुरू करो जी। सर सामने देख के प्लीज। शाबाश, ताली तो बजाओ। लाइन में फोटो ले लेंगे, ऐसे खड़े हो जाओ, एक मिनट थोड़ा सा पीछे को लेकर पीछे। ये भाई नारियल और दे दो। एक लड्डू रख दे। अरे लड्डू आने दो ना। अरे प्रधान बेटा, एक लड्डू लिया दे दो, एक लड्डू। सर आप बताएंगे, आज जो ईसा जी महाराज का जो मार्गदर्शन का नामकरण किया गया है, ये इतना लेट क्यों हुआ है? देखिए, बहुत से काम निगम कर रहा है, अनेकों नामकरण किए हैं, अनेकों सड़कें बनाई हैं। नीलदमन जी ने उनके विशेष जो है हमारी निगम पार्षद आए हैं और डैम्स कमेटी के चेयरपर्सन हैं। और लेट वाली बात मुझे समझ आई कि अप्लाई जब लोगों ने इनसे रिक्वेस्टेशन की, इनसे कहा, आग्रह किया, तो इसके बहुत बड़े नियम हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोर्ड लगा के ठोकना है। ये पूरा एक नियम होता है, पहले कमिश्नर के पास जाती है, मेयर साहब के पास जाती है, कई जगह फाइल जाती है, फिर उसके बाद एक चीज़ ये प्रमाणित होता है कि इस नाम से कोई और रोड नहीं है, उस रोड और वो नहीं है, उसके बाद वो प्रमाणित होकर NOC मिलती है, तब जाके पत्थर लगता है, ताकि इसका कोई और नाम पहले से ना हो, कोई विवाद ना उत्पन्न हो, और कोई भी इस नाम से और रोड पहले ना बन चुकी हो और कोई और इस रोड पर कोई नामकरण ना कर सके। तो अब हमेशा के लिए ये समाज को, ईशानंद महाराज को, उनके अनुयायियों को, उनके भक्तों को और पूरे समाज को, इन्होंने जो केश रानी जी ने जो समर्पित किया, मैं इनको बधाई देता हूँ। और आपको भी मैं समझता हूँ कि इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, मीडिया से मैं गुजारिश करूँ। हो गया ये आड़े मटर तो लग रहे हैं, पैकेट ले आते। अरे ले लो पीछे चलो, थोड़ा सा पीछे लो ना यार, जब पूरा आ जाएगा गैदरी पूरा। मैंने तोड़ लिया। वाई जी, वाई जी, आप नीचे बैठ जी। सॉरी, अरे आ जा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लो जी लो, इधर देखियो, छोड़ो। हाँ जी, लो लो, चल रहा है कैमरा उधर, अशोक जी साइड में लो। रुक सर जी, अजय जी, चलो जी रुक, कम एक मिनट भाई। का आज उद्घाटन किया गया है, ये ईशानंद जी जो इस सिंगोला गांव के ही एक महापुरुष थे, सन्यासी थे, उनके नाम पे जो है नामकरण किया गया है। और उन्होंने कई इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ जो है आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो उनके याद में, उनको स्मरण करते हुए उनके नाम पर इस मार्ग का नामकरण किया गया है। काफ़ी समय लगा दिया, क्या कारण रहे हैं जिस कारण से जो है बन नहीं पाए पहले? मार्ग तो पहले से ही बना हुआ था, जो है उत्तरी दिल्ली नगर निगम में प्रस्तावित किया गया, प्रस्तावित होने के बाद जो है उसका नामकरण किया गया है, और आज इस मार्ग का नामकरण करके जनता। महाराज का जो है आज रोड का नामकरण किया गया है जी, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ऐसा था, स्वामी ईशानंद जी का जन्म सिंघोला गाँव में हुआ, यहीं से उन्होंने सारा अपना जीवन परोपकार में लगाने के लिए अपनी प्रण कर लिया था। उनका विवाह भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि
पराधीन देश में हम कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। और फिर अपने घरवाली के फिर दूसरी शादी उन्होंने करा दी। उसके बाद फिर घर छोड़ करके, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, 39 में तो हैदराबाद सत्याग्रह में गए। कौन से सन में हुए थे वो? 1900 में जी। और इनका देहांत कब हुआ था? देहांत 1994 में। सिंगोला गांव में ही जन्मे थे? सिंगोला गांव में जन्मे थे। देहांत हुआ छानी बड़ी जिला गंगानगर राजस्थान में, है जी। और उसके बाद फिर इन्होंने 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल गए। 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। 1957 में फिर उसमें हिंदी आंदोलन में जेल गए। 1967 में फिर गौरक्षा आंदोलन में जेल गए। और फिर जगह जगह यज्ञ करा करके, शिक्षा का प्रचार करके, खादी का प्रचार करके, और इसमें क्या दलित समाज के लिए उन्होंने कोई कार्य किए थे? हाँ, दलित समाज के लिए सबसे पहला काम गांव के स्तर पर उन्होंने जो शुरू किया था दलित समाज के लिए, कि उनकी बेकार प्रथा खत्म कराई, उनका अस्पृश्यता निवारण किया सहबोध करके, और उनको ये अधिकार दिया कि वो जनेऊ ले करके संध्या और हवन भी कर सकते हैं। उस समय तो इनको करने नहीं देता था इस तरह से। कई सारी चीज़ें उन्होंने गाँव से ही शुरू की। और तरुण में से, क्योंकि वो PWD में सर्विस, आज स्वामी जी के, आज स्वामी जी के जो है नाम से आज नामकरण किया गया रोड का, आपको कैसा लग रहा है आज? हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं तो समझता हूँ सभी को अच्छा लगना चाहिए। ऐसे जिन्होंने अपना जीवन दान दिया देश के लिए, उनका तो जितना हम स्मरण करें, जिस तरह से भी स्मरण करें। कितने भाई थे वो? 5 भाई। बच्चे उनके कोई? बच्चे उनके कोई नहीं थे, बताओ ना। शादी करने के बाद फिर उन्होंने दूसरी शादी कर दी, फिर संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद अपना काम करते रहे, समाज का ही काम जीवन भर किया। नाम बताइए आपका? नाम डॉक्टर सत्यपन दुशास्त्री। ईशानंद जी के नाम से हुआ है ऐसा? क्यों ईशानंद जी के नाम से ही क्यों हुआ? कौन थे वहाँ पर? स्वामी ईशानंद जी का 1900 में जन्म हुआ। उन्होंने जो है स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया, और जो है छुआछूत के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जो सामाजिक कार्य थे, स्वच्छ भारत अभियान जिसके आज हम बात करते हैं, उन्होंने अपने युवा काल में, आ जाओ किसान, उसमें भी उन्होंने शुरू किया ये काम, उस आंदोलन चलाए। तो एक महापुरुष थे जिससे समाज प्रेरणा ले। उनके नाम से स्वामी ईशानंद जी जो है सिंगोला गांव में जन्मे, और उन्होंने उनकी कार्यभूमि देश भर रहा, और अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ 1,00,000 रुपये का इनाम बोला था, और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो शामिल हुए, वो हत्या आंदोलन में भी शामिल हुए। ऐसे महापुरुष के नाम पर नामकरण करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और गाँव वालों की इच्छा के अनुसार ये है, इसका रोड का, सड़क का नाम सिंगोला गाँव से जीटी करनाल रोड हाईवे नंबर 1 तक इसका नामकरण, रोड का नामकरण स्वामी ईशानंद सरस्वती किया गया है, और उनको हम अभिनंदन करते हैं, और इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाए।